हेलो, नमस्कार। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो जैसे कि मेरे पीछे आप देख ही रहे होंगे, मेरा पीछे खड़ा है लाइफ लॉन्ग के फाल्कन 27.5T MTB। तो मैं आज उसका जो है 3 मंथ्स का मैं रिव्यू देने वाला हूँ आज। मतलब कैसा था मेरा एक्सपीरियंस इस साइकिल के साथ, क्या इसमें प्रॉज एंड कौन सा है, मैं सब कुछ समझाऊँगा। तो इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यार, आप लोग मेरे वीडियोज़ देखते हो, आपको पसंद भी आते हैं, पर आप लोग ना उसको सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही लाइक करते हो, ना कुछ करते हो। बस आप वीडियो देखते हो और निकल जाते हो। ऐसा नहीं करना आप, क्योंकि अगर हमें थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर आप थोड़ा सब्सक्राइब करके लाइक भी करोगे तो हमें मोटिवेट होगा हमें आगे वीडियो बनाने के लिए। मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो फाइनली हम रिव्यू करते हैं इस साइकिल का, जो यहाँ पर है मेरे साथ खड़ा है फाल्कन 27.5T MTB लाइफ लॉन्ग के तरह। तो फाइनली आज मैं बताने वाला हूँ 3 मंथ्स का यूसेज रिव्यू। तो मुझे ये साइकिल को लेके ऑलमोस्ट हो गया है 3 मंथ्स, मतलब 3 मंथ से 2 दिन तो ज़्यादा हो गया होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो, इसका साइकिल को जो कंडीशन है, जैसे मैंने नया लिया था वैसे ही सेम टू सेम अभी भी है। ना एक स्क्रैच है, ना एक थोड़ा कुछ टूटा है फूटा है, ना कुछ हुआ है। बस मैंने अपने तरफ से थोड़ा थोड़ा इसको, मैंने जो पार्ट्स है वो मैंने निकाल के अपने नए लगाए, क्योंकि मुझे वो जब मैं कुछ चलाने गया था तो मैं गिर गया था एक्चुअली, तो उससे पेडल मेरे टूट गए थे, तो मैंने उसको नया लगवा लिया। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे कि देख सकते हो, जो ये पेडल है ये मैंने अलग से लगवाया है नया, मतलब इतना ज़्यादा स्मूथ है। वो जो पहले आया था वो थोड़ा चीप क्वालिटी का मुझे लगा था एक्चुअली, और मैंने इसको नया लगवा लिया है। और जैसे कि देख सकते हो, मेरा साइकिल अभी थोड़ा गंदा है, क्योंकि मैंने इसको आपके लिए, मैंने इसको थोड़ा क्लीन भी नहीं किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्ट मैं कैसे यूज़ करता हूँ डेली, मतलब इसको थोड़ा क्लीन वगैरह मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ। मतलब ऐसे ही निकल के, घर से निकाल के मैं इसको लेके चला जाता हूँ चलाने के लिए। तो मैं चलाने के लिए निकल जाता हूँ लेके, तो इससे मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बस इसका जो साइकिल का जो राइडिंग है, वो पोस्चर है, वो भी बढ़िया है। मुझे बस थोड़ा सा आगे झुकने की ज़रूरत है बस। उसमें मुझे कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, क्योंकि झुक के चलाने में ज़्यादातर आप नहीं चला सकते झुक के, तो मुझे इसका एक माइनस पॉइंट तो ये लगा। और बाद में जो इसका फ्रेम है वो भी अभी बहुत ही ड्यूरेबिलिटी है, अब तक मुझे कोई भी इसमें आवाज़ नहीं आया कहीं टूटने का या फिर कोई बेंड होने का, कुछ भी नहीं है। तो जैसे कि आप फ्रेम को देख ही सकते हो, थोड़ा सा भी कहीं भी कोई स्क्रैच नहीं है, और थोड़ा कहीं बैंड वगैरह कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि इसका जो ड्यूरेबिलिटी है भाई, मुझे रियली बहुत पसंद आया। आई थिंक मैंने जो उसको 10,000 दिया है, एक्चुअली इसका जो वर्थ ऑफ मनी है, मैंने कितने भी इसको मनी स्पेंड किया है वो भी वर्थ है। क्योंकि मैं जो व्हील वो सब करता हूँ, तो मैं ज़्यादा इम्पैक्ट के नीचे रखता हूँ, तो उससे भी मुझे कोई ज़्यादा कोई टूटने का या फिर कोई डर नहीं है मुझे। क्योंकि जो पूरा स्टील है, वो फ्रेम है, वो सब कुछ स्टील से बना है, स्टील फ्रेम है। तो फाइनली तो मैं एक्चुअली साइकिल से मैं बहुत खुश हूँ। अब तक मुझे कोई इसमें रिपेयर नहीं है, बस एक बार पंचर हुआ था, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। बस एक ही बार पंचर हुआ था और मैंने बनवा लिया उसको। और जैसे कि जो ब्रेक्स है वो अभी भी ठीक से काम करते हैं, बस आपको कभी कभी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है आपके हिसाब से। अगर आपको लूज़ चाहिए तो लूज़ करो, टाइट चाहिए तो टाइट भी हम कर लेता हूँ मैं कभी कभी घर में ही, तो आप भी अपने घर में ही कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी इस वीडियो का, मतलब इस साइकिल का जो रिव्यू है वो नहीं देखा, तो जाके मेरे चैनल में वीडियो है इस साइकिल के बारे में, जाके रिव्यू देखो। और जो अच्छा लगे तो साइकिल को कमेंट करो नीचे, और ज़्यादातर कितना हो सके उतना शेयर करो वीडियो को। तो चलो हम वापस वीडियो पे आते हैं। तो जैसे कि आप आगे का रिम है, क्योंकि ये डबल अलॉय रिम के साथ आता है, तो फिर मुझे कहीं भी स्पोक्स कहीं लूज़ होने का मुझे कोई डर भी नहीं था। क्योंकि साइकिल जो है वो मस्त एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैंने घर में इतना अच्छे से तरह से इसको मेंटेन किया है कि अब तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया इसमें घर साइकिल के बारे में। तो जैसे कि आप इसका देख ही सकते हो, मतलब अभी भी वेल मेंटेन्ड है, भागने में भी बहुत स्मूथ है। मैं आपको बाद में चला के भी दिखाऊंगा, अगर ज़्यादा पेडल भी मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता मुझे। तो इसका जो गियर है वो अभी भी मैंने थोड़ा सा ऑयल कर रखा है, क्योंकि इसके ऊपर तो डस्ट जमा हो गया है, बाद में निकालना पड़ेगा मुझे, तो मैं वो भी निकाल लेता हूँ बाद में। जैसे कि ब्रेक देखते हो, मतलब यहाँ तक, तो जैसे कि देख सकते हो ना, ब्रेक्स का जो परफेक्ट काम है, ये ब्रेक भी करता है अपना जो इसका जो रोल है करने का, ये भी अपने मस्त करता है काम भी। तो आगे का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है डिस्क ब्रेक का, जैसे कि आप देख ही सकते हो। और यहाँ पे जो सस्पेंशन फोक है, ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन तो ये था कि भाई सस्पेंशन फोक का क्या है, मतलब कैसे काम करेगा, अच्छा है कि नहीं। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसका सस्पेंशन फोर्क है, वो यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अंदर जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, नॉर्मल रोड पे चलाएंगे इतना तो अंदर दबेगा नहीं। इसका मतलब है मैं इसके ऊपर व्हीली भी करता हूँ, इसको नीचे इंपैक्ट के साथ नीचे भी रखता हूँ, तो सस्पेंशन फोर्क का भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया अब तक एकदम। ये भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो मुझे ज़्यादातर जो परेशान किया है वो है हैंडल।
यहाँ का जो हैंडल आप सॉकेट देख रहे हो यहाँ पे, इसका इसका और नीचे नीचे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। बस इसे हिलता बहुत है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो ये हिलता है आगे और पीछे, थोड़ा थोड़ा हिलता है। मैंने इसको इतना बार टाइट किया है और जैसे कि देख सकते हो ये थ्रेड ये भी निकलने को आया है, थ्रेड भी ख़राब होने को आया है ये। आप मतलब इस साइकिल का जो मेन प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है इसका हैंडल बार, क्योंकि हैंडल बार जो है वो आगे पीछे थोड़ा हिलता रहता है, तो मुझे ये थोड़ा इसका माइनस पॉइंट लगा। बाकी सब तो साइकिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता मस्त है, भागता भी मस्त है। बस आपको जो हवा है वो एक मेंटेन करके रखना पड़ेगा, बस ख़त्म, काम ख़त्म। बस आपको इसी तरह से साइकिल जो है, मुझे अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ना ही डिस्क ब्रेक का, रिम का, स्पोक्स का, फ्रेम का, चैन का या सॉकेट का, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया अब तक। भागती तो मस्त है। तो बस आज का वीडियो बस इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये साइकिल का जो रिव्यू है, मैंने 3 मंथ्स का मैंने इसका रिव्यू आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जाके लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। आप वीडियो देख के चले जाते हो उससे कोई मतलब नहीं बनता, अगर आपको सपोर्ट दिखाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करते रहना, ठीक है? थैंक यू।